पेश है राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में सोमवार को एक बार फिर तीन और कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। ये तीनों मरीज पदमपुर कस्बे के वार्ड नंबर 13 से हैं। इनमें दो पुरुष और एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाई गई महिला हिसार रिटर्न बताई जा रही है। पीएमओ डॉक्टर के एस कामरा ने बताया कि बीकानेर भेजी गई 208 की रिपोर्ट सोमवार को आई है, जिनमें से तीन पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिले में अब पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। इनमें 43 रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और तीन रोगियों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य के 15 जिलों के 861 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया है। जिला कलेक्टरों से प्राप्त रबी फसल 2019 में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना के अनुसार अलवर जिले के 135, भरतपुर के 296, बाड़मेर के 101, बीकानेर के 2 एवं बूंदी जिले का एक गांव अभावग्रस्त घोषित हुआ है। इसी प्रकार दौसा जिले के 65, श्रीगंगानगर के 31, हनुमानगढ़ के 23, जयपुर के 73 एवं जैसलमेर जिले के 34 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार जोधपुर जिले के 8, करौली के 9, नागौर के 66, सीकर के 12 एवं सवाई माधोपुर के 5 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। अभावग्रस्त गांवों में यह प्रावधान 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों की प्रशंसा की। आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टरों व सफाई कर्मियों से बातचीत की। वीसी के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच, पंच, वार्ड प्रमुख, एमएलए, एमपी ही नहीं, जिला व पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, धर्मगुरु, विशेष रूप से सफाई कर्मियों की भूमिका कोरोना से निपटने में अहम है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने वीसी के दौरान मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान समय में श्री गंगानगर में 14 एक्टिव केसेस हैं। पूर्व में 3 मरीजों की मृत्यु हुई है तथा शेष ठीक होकर घर लौट गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में सोमवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि एक कोरोना पॉजिटिव नोहर के वार्ड नंबर 20 से और 3 कोरोना पॉजिटिव माणकसर के एक रेलवे स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर हैं। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को बीकानेर भेजे गए 396 सैंपल में बचे हुए सैंपलों में 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी में ऑफिस खोलकर निजी कंपनी के संचालक लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करके फरार हो गए। पुलिस ने ठगी के शिकार देवकरण निवासी लाधुवाला की रिपोर्ट पर ग्रीन स्टार नामक कंपनी के एमडी ब्रिजलाल, तुलसीदास, उदय, दीपक उर्फ गुड्डू के खिलाफ उसके और उसके साथियों के 33 लाख रुपए हड़प कर लिए। आरोपियों ने शीशा बनाने वाली कंपनी में लोगों से निवेश करवाया और रुपए एकत्रित करके फरार हो गए। श्री गंगानगर के जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में गांव साधुवाली में करंट लगने से विद्युत लाइनमैन करंट से झुलस गया। पुलिस के अनुसार करंट से झुलसे इंद्राज को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रावण में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। मंदिर समिति ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। गौरतलब है कि श्रावण माह में लाखों श्रद्धालु नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने पहुंचते थे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 58 सुरेशिया में एक विवाहिता को डरा धमकाकर उससे मकान और 2 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता सुनीता ने रिपोर्ट दी कि पड़ोसी युवक कुंजी उससे मकान और 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आरोपी ने उसे धमकी दी कि मकान और रुपए नहीं दिए तो उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गंगानगर की सचिव एडीजे सुषमा पारिक ने सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहड़ा के साथ श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थित कोर्ट कैंपस का निरीक्षण किया। कोर्ट कैंपस में केवल एक गेट से प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ आगंतुकों की इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांच की जाती है। हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन रखी गई है। सचिव सुषमा पारिक ने कर्मचारियों को मास्क लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को मास्क, सैनिटाइजर व फेस शील्ड उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिए। सचिव श्रीमती पारिक ने कुंज विहार में स्थित राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने किशोर गृह में रहने वाले बालकों से समस्याओं के बारे में पूछा।
श्रीगंगानगर नगरीय विकास विभाग में ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित कार्यों की क्रियान्विति प्रगति की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में 8 जुलाई को प्रातः 11 बजे NIC के माध्यम से VC आयोजित की गई है। श्रीगंगानगर में नाथावाली के निकट रविवार को नहाते वक्त गंग नहर में डूबे युवक की लाश सोमवार दोपहर घुमड़वाली पुलिस थाना क्षेत्र में गांव 31 RB के निकट बरामद हो गई। मौके पर पहुंचे रिडमलसर पुलिस चौकी प्रभारी गुलाराम ने बताया कि मृतक की पहचान 19 वर्षीय समीर अली निवासी केदार चौक पुरानी आबादी के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पहचान कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। हनुमानगढ़ में जिन पेंशनर्स का 7वें वेतन आयोग का पेंशन फिक्सेशन नहीं हुआ है, वे पेंशनर्स अपना आवेदन पत्र मेयर PPO प्रति के हनुमानगढ़ कोष कार्यालय में जमा करवाएं ताकि उनका पेंशन फिक्सेशन किया जा सके। जिला कोषाधिकारी श्री सुनील ढाका ने बताया कि कोष कार्यालय की ओर से 1 जनवरी 1991 से 31 दिसंबर 2015 के मध्य सेवानिवृत्त पेंशनरों का 7वें वेतन आयोग का पेंशन फिक्सेशन गत वर्ष से किया जा रहा है, लिहाजा 7वें वेतन आयोग के पेंशन फिक्सेशन से वंचित रहे पेंशनर्स अपना आवेदन पत्र PPO प्रति के साथ कोष कार्यालय में जमा करवा दें ताकि उनका पेंशन फिक्सेशन किया जा सके। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बाड़ा के निकट सोमवार दोपहर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला घायल हो गई। घायल माया देवी को यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमानगढ़ के नोहर पुलिस थाना क्षेत्र में गांव भूकरका और देईदास के बीच में बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गांव ढिलकी जटान निवासी मनोज था। मांगेराम ने पुलिस को बताया कि उसका भतीजा मनोज और एक अन्य युवक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। रास्ते में बाइक के आगे नील गाय आने पर बाइक अनियंत्रित होकर ऊंट गाड़े में टकरा गई। हादसे में मनोज की मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।